नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। आखिर वो क्या स्थिति होगी जिसमें स्कूलों की फीस लाखों में पहुंच जाए? आखिर वो क्या स्थिति होगी जब स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलेगी? जी हां, इन्हीं सारी चिंताओं के साथ देश भर से हजारों शिक्षक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, जो बता रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश में गरीबों के लिए शिक्षा के द्वार बंद कर देगी। यहाँ आए कुछ शिक्षकों से हमने बात की है, सुनिए उन्हें। सारे हिंदुस्तान से, केरला से लेकर के पंजाब तक, कश्मीर से लोग आए हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से हम लोग आए हुए हैं, लेकिन हमारा संगठन इसमें नहीं है, डूटा नहीं है। तो ये एक दुखद बात है हमारे लिए। आज ये सारे लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं कि सरकार के द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है, जो एक प्राइवेटाइजेशन का दस्तावेज है, उसका विरोध करने के लिए। जो नई शिक्षा नीति 2020 मोदी सरकार ने जो लागू की है ना, इसमें और पुरानी शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो हम नई शिक्षा नीति की बात करें, सरकार इस शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूलों को मर्जर करना चाहती है, स्कूलों को बंद करना चाहती है। सरकार चाहती है कि जो स्कूल खुले हुए थे पहले, भी आम बच्चे को, गरीब बच्चे को जो सुविधाएं मिल रही थी, भाई उन पे अंकुश लगाया जाए। और जैसे ही नई शिक्षा नीति लागू होगी, एजुकेशन है वो गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। जो पूरा डॉक्यूमेंट है NEP का, वो किसी भी पुराने स्टडी, सर्वे, रिसर्च, कंसल्टेशन, पॉलिसी पे बेस्ड नहीं है। एक कमेटी के जो लोग थे, उनके अपनी मर्जी से उन्होंने जो भी डाल दिया उसमें। पूरे में ढांचे में आप देखते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से, वो पुराने ज़माने में जब जो शोषित वर्गों को वंचित रखा जाता था एजुकेशन से, वही पूरी पॉलिसी का थ्रेड है। इस भारतीय संविधान में हमको मिला है शिक्षा का समान अधिकार। आज सरकार ने 18% GST लगाया है सारे उपकरणों पर, जो एजुकेशन से रिलेटेड कॉपी किताब, पेन पेंसिल, आप कोई ले लीजिए, 18% GST देना पड़ रहा है। क्या ये सरकार को नहीं चाहिए कि शिक्षा जो हमारे लिए बेसिक चीज़ें हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करे, कोई उस पर GST ना लगाए, और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी है, बिना किसी स्टेक होल्डर से चर्चा किए बगैर लागू की गई है, जो छात्र विरोधी, शिक्षक विरोधी और जन विरोधी है, जो कि हमारे समाज के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ चल करके आए और इसका विरोध दर्ज हम कई बार पहले जंतर मंतर पर धरना दे चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी हमारी कोई आवाज़ को सुन नहीं रही है। लोग इसलिए पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर सके और न्यू पेंशन स्कीम को हम लोग दरकिनार करें, जो नो पेंशन स्कीम है, और टीचर्स को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जब हम रिटायर हो जाते हैं 60 साल की उम्र में, तब हमें एक प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है, लीव इन कैश फंड मिलती है। पंजाब और चंडीगढ़ के कॉलेजेस में कहीं कहीं यही पूरा भी नहीं दिया जाता है। अब 20 लाख ग्रेचुटी हो चुकी है और अभी तक हमें 10 लाख मिल रही है। 300 दिनों की लीव इन कैशमेंट है, हमें 180 दिन मिल रहे हैं, वैसे ही पैसा हमें कम मिल रहा है। और उसके बाद जब धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है हमारी, जो पैसा होता है वो ख़त्म हो जाता है। एटलीस्ट पेंशन से हमें एक भरोसा मिलता है, हमें जो रूटीन में जो चीज़ें करनी होती है, मेडिकल होता है, हमारा सब कुछ होता है, वो हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ज़रूरी है। पंजाब ने इसको लागू कर दिया है, अब क्योंकि चंडीगढ़ सेंटर के अंडर आ गया है, तो हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको लागू करे। हम लोगों के बुढ़ापे की लाठी को इस दमनकारी सरकार ने, इस जो है आक्रामक सरकार ने जो छीना है, अपनी तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हर साल 1.5 लाख 2 लाख अपने वेतन के मद में बढ़ा रहे हैं, और हमारी पेंशन को हमसे छीन के जो बहुत बड़ा शिक्षक समाज के साथ कुठाराघात किया है। हम इसलिए इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं कि जो शिक्षकों को हटाया जा रहा है, वो हटाने का धंधा बंद हो। सरकार लोन नहीं दे, ग्रांट नहीं देगी, लोन देगी, सेल्फ फाइनेंस चलेगा, सारे कॉलेजेस अलग हो जाएंगे यूनिवर्सिटी से, अपने आप उनकी गवर्नेंस होगी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उनको रूल रेगुलेशन फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो बचा कुचा पब्लिक एजुकेशन है, उसको पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में देने की साजिश है। ये नई शिक्षा नीति का छात्रों पर कैसा असर पड़ा, इसको आप कैसे? देखिए, छात्रों के ऊपर तो असर पड़ना चालू हो गया। लॉ फैकल्टी में अभी एडमिशन का जो हुआ है कोर्स का, वो 12-12.5 लाख रुपया उसको फीस हो गया। बीटेक का इन्होंने फीस दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20 लाख कर दिया,
और कल होकर के जो हमारा डॉक्यूमेंट पास हो चुका है उसमें अगर हमें छात्रों से धन संसाधन जुटाना है वही एक तरीका है, तो कम से कम 20-25 लाख रुपया का फीस स्ट्रक्चर होगा। क्या गरीब घर के बच्चे आ पाएंगे? CUET के माध्यम से गांव ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से बच्चियां लड़के आना बंद हो गए हैं, हमारा कई सेक्शन बंद हो चुके हैं, एडमिशन कम हो रहे हैं। अभी ये जो राजस्थान में भी ये शिक्षा नीति लागू, अभी जस्ट पहले पहला सेमेस्टर सस्टू लागू होगा, तो अभी बच्चों को और या समाज को पता नहीं है, इसके धीरे 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 इफेक्ट आएंगे। जब बच्चे साल में दो बार फीस देंगे, हम लोग जो टीचर हैं ना साल भर परीक्षा कराते रहेंगे, छात्रों को पढ़ाने का हमारे पास कोई टाइम नहीं मिलेगा। मतलब अभी भी हम एडमिशन में, इलेक्शन में और परीक्षा में ही हमारा समय व्यस्त होगा और छात्रों को हम पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं मिलेगा। इस शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति ही कहती है भी जो स्कूल खोले जाएंगे वो एक क्लस्टर लेवल पर स्कूल होगा जिसकी परिधि 8-10 किलोमीटर के अंदर होगी। तो हमारे ऐसे ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां माँ बाप अपनी लड़कियों को अपने गांव में पढ़ाना चाहते हैं या थोड़ी दूर भेजना चाहते हैं, लेकिन 8-10 किलोमीटर पर लड़की शिक्षा से वंचित कर देंगी। और अगर मैं आपको एक बात और बताऊँ, हरियाणा में जितने भी कन्या मिडिल स्कूल हैं सरकार ने एक भी कन्या मिडिल स्कूल नहीं छोड़ा जो पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने खोले हुए थे। एकलव्य का अंगूठा काटने वाला पूरा उसमें थ्रेड है। इसमें एक तो बहुत महंगी कर दी जाएगी, रिजर्वेशन पॉलिसी के नाम से कोई भी चीज़ नहीं है चैप्टर 14 में, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स सिर्फ लिखा है, सारों को उसमें कर दिया और कोई कोटा कुछ नहीं उसमें लिखा है, तो कहाँ से आपका रिजर्वेशन के बगैर आप कैसे करेंगे? अगर आप डाल भी दें रिजर्वेशन तो इतनी महंगी शिक्षा कौन अफोर्ड कर सकता है? तो ये लोगों को वंचित करने के लिए किया गया है। रही बात नई शिक्षा नीति में, जिस जो सेमेस्टर सिस्टम मिड सेशन और तरह की तमाम तरह की परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में छात्र छात्राओं से जो अतिरिक्त शुल्क लिए जाते हैं वो एक अभिभावक के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बेसिक चीज़ें, उनके पास चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं हैं या किताब कॉपी के लिए वो चीज फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में वो फीस बढ़ोतरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट और दलित्स के अगेंस्ट ये पूरा मूव है, क्योंकि आप इनका पूरा ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये चाहते हैं कि वो ज़माना मनुस्मृति वाला आ जाए, संविधान का कोई भी चीज़ लागू ना हो। संविधान के बारे में बातें ज़रूर करते हैं लेकिन जो भी इन्होंने यहाँ पे नीतियाँ प्रपोज की हैं जो लागू कर रहे हैं उसमें संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की ना, मोदी जी तो पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि भैया ओल्ड पेंशन स्कीम उनके रहते नहीं आएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री होकर के वो देश के नब्ज को समझना चाहिए। 7 स्टेट्स ने विद्रॉ कर चुका है। क्यों विद्रॉ कर चुका है? क्योंकि जब टीचर रिटायर कर रहा है, 2004 में जो शिक्षक साथी ज्वाइन किए थे अब जो रिटायर कर रहे हैं वो 12,000-15,000 रुपया उनको मिल रहा है, तो ये कोई पैसा है जिसमें कि वो अपना जीविका निर्वाह कर सकेगा? कोई मेडिकल का जो खर्च है वो सब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब ये कि जिस तरह से पाठ्यक्रम में ये परिवर्तन करते जा रहे हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी, पूरा मुगलों का चैप्टर हटाना, फिर साइंटिफिक थिंकिंग पूरी हटानी, डार्विन थ्योरी हटाना, यानी कि ये चाहते हैं रूढ़िवाद लोग बने, अंधभक्त बने, आप उनको कोई भी सुपरस्टिशन में डाल सकते हैं। और यही सब चीज़ें चल रही हमारी यूनिवर्सिटी में भी। आप देखिए कि वाइस चांसलर कहते हैं इकबाल को हटा देंगे, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था उनको कहते हैं वह एंटी नेशनल है, उनको हटा दो। मतलब और मुसलमानों के खिलाफ तो इनका पूरा प्रचार चलता ही है, BR अम्बेडकर के खिलाफ भी पूरा प्रचार है, उनके पेपर को भी चेंज करने की बात रखी गई थी, सावरकर को लाने की बात थी। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है वो इसलिए हुए हैं कि जो हमारे जो सर्विसेज है, टोटल लेंथ ऑफ सर्विसेज है वो काउंट हो। जो डेमोक्रेटिक ढांचा था हमारा, जिसमें थोड़ा बहुत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, रोटेशन से गवर्निंग बॉडी में था, वो हटा दिया गया है। टीचर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ होगा, या तो गवर्निंग बॉडी जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहेंगे या इसी में जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तब्दील हो जाएगा। तो पूरा इनका डेमोक्रेसी के खिलाफ ही प्रहार है इसमें, और पूरा पूंजीवादियों के हाथ में और एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप के हाथ में पूरा तंत्र देना चाहते हैं, जो यहाँ पे मनुस्मृति के लाइन्स पे पूरा हमारा यूनिवर्सिटीज़ को तब्दील किया जाए। ये बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद घड़ी है। सारे लोगों को एक होकर अपने डेमोक्रेसी की, अपने संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा।